नमस्ते मित्रों, मेरा नाम उषा बेन शाह है। ऋतुजा स्वयं सेवक संस्था के माध्यम से मैं आपकी समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, आज 21 जून का दिन है। पूरे विश्व में ये दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के रूप में मनाया जाता है। विश्व में योग का प्रदान हमारे भारत देश में ही किया है। आध्यात्मिक विकास के बारे में हमारा देश विश्व में अग्रेसर रहा है और विश्व का गुरु भी रहा है। हमारे महर्षि पतंजलि ने बताए हुए अष्टांग योग का स्वीकार विश्व के सभी देशों ने किया है। आज पूरे विश्व में और अपने भारत में भी जगह जगह पे योग केंद्र खुल गए हैं। लोगों में बहुत सारी जागृति योग के बारे में आ गई है और लोग नियमित रूप से योग भी करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं माई लाइफ माई योग के बारे में कुछ बताऊंगी। मैंने अपने जीवन में योग की शुरुआत कब की, कैसे हुई और मेरे जीवन में योग का प्रदान कैसे रहा, इसके बारे में कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, 1981 में मैं अपने वतन से जब सूरत आई तब मेरी उम्र 30 साल की थी। उस समय मैं योग के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन कुछ नए जान करने का उत्साह की वजह से मैंने एक महीने का योग क्लास ज्वाइन किया और उस क्लास में मैंने तरह तरह के आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ध्यान, उन सब के फायदे, इन सब के बारे में बहुत कुछ मुझे जानने को मिला। मुझे लगा कि अपने जीवन में नियमित रूप से योग का स्थान होना जरूरी है। उस समय से मेरे जीवन में योग का बीजारोपण हो चुका था। मैं नियमित रूप से योग भी करने लगी थी, लेकिन उसमें रुकावटें भी बहुत आने लगी। मुझे दो छोटी बेटियां थी, मैंने स्कूल में टीचर की जॉब ली थी, इसलिए मैं नियमित रूप से योग में सक्रिय नहीं रह पाई। फिर भी उसको छोड़ भी नहीं पाई। सन 2000 की साल में मेरी बेटियां जब बड़ी हुई, मैं जॉब में जब सेटल हुई, तब मेरे घर के पास एक संस्था में मैं नियमित रूप से जाने लगी। सुबह 6 से 7:30 बजे तक मैं हर रोज़ वहाँ जाके योग करने लगी। वहाँ हर रोज़ शरीर के अंग की, हर एक अंग की कसरतें, हर एक प्रकार के आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, मेडिटेशन वगैरह की तालीम लेती रही। मेरा ये अभ्यास 10 साल तक नियमित रूप से चलता रहा। उससे मुझे बहुत फायदे हुए। मैंने तन मन की स्वस्थता प्राप्त की और साथ साथ मेरे जीवन में उत्साह, स्फूर्ति और मेरा मनोबल भी बहुत बढ़ा। मैं उत्साहपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन उसके बाद आने वाले दशक में मुझे स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी कठिनाइयां भी झेलनी पड़ी। सबसे पहले हाई बीपी के कारण मैं एक अकस्मात का भोग बनी। तब मुझे ब्रेन में बहुत सारी इंजरी हुई। इसके बाद हाई बीपी के कारण ही मुझे 2 बार ब्रेन हेमरेज हुआ, 2 बार ब्रेन सर्जरी करानी पड़ी। दूसरी बार जब ब्रेन सर्जरी करानी पड़ी तब मेरे एक पैर में पैरालिसिस की भी असर हो गई। मेरा चलना फिरना भी बंद हो गया, मेरा वेट भी 10 से 12 केजी कम हो गया और मैं इतनी वीक हो गई थी कि लोग मुझे पहचान भी नहीं सकते थे। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और मेरा मनोबल भी अच्छा था, इसके कारण इन सब में से मैं बाहर निकल सकी। लेकिन अभी भी मेरी स्वास्थ्य की परेशानियां दूर नहीं हुई थी। थोड़े दिन के बाद मुझे हार्ट अटैक हुआ, हार्ट में स्टेंट रखना पड़ा। फिर मेरे चलने की और सांस लेने की तकलीफ भी कम नहीं हुई थी, इसलिए लास्ट ईयर मुझे बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। स्वस्थ होने में फिर से 6 महीना निकल गया, लेकिन पैर की तकलीफ तो चालू ही रही। इस सभी तकलीफों के दौरान भी मैंने जो हो सके, जितना हो सके, इतना प्राणायाम, योगासन की तालीम तो चालू ही रखी थी। और हम सब जानते हैं कि उसके बाद कोरोना महामारी शुरू हुई, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सबको घर में रहना पड़ा।
मैंने फिर से उस समय का उपयोग मेरे स्वास्थ्य को सुधारने में किया। मैंने सुबह का समय का एक शेड्यूल बना दिया और नियमित रूप से फिर से मैंने शरीर के हर एक अंगों की कसरतें, हर एक प्रकार के आसन, वज्रासन, भद्रासन, भुजंगासन, शल्भासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, शशांकासन, पर्वतासन, ये सब आसनों करने की शुरुआत कर दी। प्राणायाम भी सभी प्रकार के मैं करने लगी। प्राणायाम में भी कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत और ओंकार जैसे प्राणायाम करने लगी। हर रोज 5 सूर्य नमस्कार भी मैंने करना शुरू किया। और दोस्तों, लॉकडाउन के 2 महीने के समय दरमियान ये सभी प्रकार के योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार मैं पहली की तरह करने लग गई। मेरे स्वास्थ्य में ऐसा सुधार आया कि मैं ज़मीन पर भी बैठने लग गई। हर रोज टेरेस पर मैंने चलना शुरू किया था और आसनों की वजह से मेरे पैर का दुखावा भी कम हो गया और मैं पहले की तरह मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह अच्छा होने लगा। दोस्तों, मेरे जीवन में योग के प्रदान की बात करूं तो योग भगाए रोग, ये युक्ति मेरे जीवन में सार्थक हुई ऐसा मुझे लगता है। मैंने धीमे धीमे अब पूरी स्वस्थता प्राप्त कर ली है और उसमें योग का महत्वपूर्ण प्रदान मेरे जीवन में रहा है। दोस्तों, आज के दिन मैं आप सबको भी ये सुझाव देती हूँ कि आप सब अपने जीवन में योग को नियमित रूप से स्थान दें, उसकी तालीम लें और नियमित रूप से उसको करने लगे तो तन मन की स्वस्थता जरूर प्राप्त कर सकोगे, डिप्रेशन को हटा सकोगे, हर समय स्फूर्ति को प्राप्त कर सकोगे और कोई भी प्रकार का भय से भी मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, योग ये कोई एक दिन करने का उत्सव नहीं है, उसको अपने जीवन में नियमित रूप से करना चाहिए। मानव पूर्व का हो या पश्चिम का हो, गरीब हो या तवंगर हो, सभी अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद पाने की इच्छा रखते हैं और इसके लिए स्वस्थ शरीर की बहुत ज़रूरत है और स्वस्थ शरीर रखने के लिए योग जीवन में बहुत आवश्यक है। इसलिए आप सब भी अपने जीवन में नियमित रूप से योग को अपनाओ और स्वस्थ रहो और अपनी ज़िंदगी की मजा लूटते रहो। नमस्ते दोस्तों।